अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें दड़पर मिर्च चाहिए 1 चम्मच, ये तेज पत्ता, कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, तेज पत्ता भी कहते हैं, लौंग चाहिए, दालचीनी चाहिए, ये सुरख मिर्च है 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी है, उसके बाद 2-3 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच जीरा साबत, और ये सुरख मिर्च है साबत, और कड़ी पत्ता भी है ये, और बेसन चाहिए 1 कप, बेसन चाहिए 1 से 2 1.5 कप बेसन चाहिए। प्याज ले लें दरमियाने साइज की, उसको बारीक बारीक काट के 1 कप ऑयल चाहिए, और दही चाहिए 1 किलो। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, पतीली में दालचीनी मैंने पहले डाल दी थी, उसके बाद ये मैंने 1 कप ऑयल डाला। अब इसमें हम प्याज डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं। ये मैं अपने तरीके से जो है दही को अब थोड़ा सा आप मिक्स हल कर लें, थोड़ा सा इसको या ग्राइंडर कर लें, मैंने तो ये इसी से थोड़ा सा उसको मिक्स किया। आप ये देखें, तकरीबन 1.5 पाव बेसन है। हमारे घर में जो है कढ़ी बहुत ज्यादा बनती है, सब शौक से खाते हैं, आप अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि हमारे तो माशाल्लाह कहते हैं बस कढ़ी हो। फिर इसको आपने दही में अच्छी तरह मिक्स कर लेना बेसन को, कोई इसके अंदर गुठली ना आटे इसकी बेसन की बन जाए। ये थोड़ा सा पानी इसमें डालें, आप डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने हल कर लेना। प्याज हम ब्राउन कर रहे हैं, प्याज रखे हुए ऊपर वो ब्राउन हो रहे हैं, साथ साथ में ये आप कर लें। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहे हैं, अभी नहीं हुए, हल्के से और ब्राउन कर लें आप। मैं अपने तरीके से ये रेसिपी बना रही हूँ, जिस तरह मैं घर में बनाती हूँ, 2-3 तरीके से कढ़ी बनती है, ये मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी कढ़ी बनेगी। 1 चम्मच 2 चम्मच आप लहसुन अदरक के डालें, थोड़ा सा लहसुन ब्राउन हो जाए, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए, प्याज भी ज्यादा ब्राउन, प्याज नहीं करनी आपने ना, लहसुन अदरक को ज्यादा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। ये देखिए लाइट गोल्डन से हो गई हमारे प्याज और लहसुन। चाहे तो आप पहले लहसुन डाल सकते हैं, बाद में प्याज डाल लें, अगर प्याज थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए प्याज मैंने पहले डाले, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक डाला। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये 2 चम्मच सुरख मिर्च, हल्दी डालें 1 चम्मच, ये तड़पर मिर्च 1 चम्मच। ये माशाल्लाह से कड़ी ज्यादा होगी इसलिए मैं इतने मिर्च वगैरह डाल रही हूँ, जैसे आपका जितना वो होगा बेसन या जितनी आपने कढ़ी बनानी उस हिसाब से आप इसमें मसाले डालें। ये सूखा धनिया पीसा हुआ 1 चम्मच, ये दालचीनी है, कड़ी पत्ता है, और बड़ी इलायची है, ये सारी मैंने इसमें डाल दी है। नमक का
अच्छी तरह मसाले को आपने भून लेना है, यहाँ तक कि ये देखिए अब अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। हल्के इनके साथ साथ चलाते हैं, चूल्हा जल रहा है कि नीचे ना ये लग जाए, क्योंकि इसमें भी पानी डालना है, पानी बाद में हम डालेंगे। देखिए मैं एक बॉल पूरा ये इसका था बेसन और दही का, 1 किलो दही है और 1 पाव बेसन है इसके अंदर मैंने डाला। अब इतना पानी डालना है कि कढ़ी जो है 2 से 3 घंटे लगते हैं कढ़ी पकने में। ये नहीं है कि आप कम पानी डालें और बस थोड़ी सी वो पकाएं और उतार लें, तो जितनी ज्यादा पकेगी इसका उतना ही जायका, उतना ही ज्यादा टेस्ट आएगा। इतना पानी डालना है कि बेसन जो है ना जिस तरह पतला पतला होता है इस तरह हो जाए शोरबे की तरह ना। ये देखिए अब इसको जैसे जैसे ये बेसन पकेगा ये फूलेगा, ये जो है कम हो जाएगा पानी इसके अंदर। एक दफा ही आप पानी डाल दें, बार बार नहीं पानी डालें, क्योंकि पानी बार बार डालने से फिर कच्चा पान आता है। देखें इसको आपने चम्मच हिलाते रहना जब तक इसमें बॉयल पकने ना लग जाए। ये हल्की आंच कर देनी आपने, बाहर ना निकलने पाए कढ़ी, अगर बाहर निकलेगी तो आपकी कढ़ी खराब हो जाएगी। ये देखें तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको लगे पकने में, अभी भी ये थोड़ी सी पतली है, इसको थोड़ा सा आप हल्की आंच पे रख दें, इसको पकने दें। आए अब हम बनाते हैं पकौड़ों का मसाला। पकौड़ों का मसाला बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है ये देखें, ये मेथी है, जीरा है, नमक, नमक 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ही सूरख मिर्च है, ये कटी हुई 4 से 5 अदद सूरख मिर्च है, बारीक काटने आप सब धनिया, आधी गुटी सब धनिए की है, बेसन ले लें। वही हिसाब है कि हमारे घर में पकौड़े भी बहुत शौक से खाते हैं और माशाल्लाह मैं ज्यादा बनाती हूँ, फिर वैसे कढ़ी बनने से पहले खा लेते हैं पकौड़े। प्याज चाहिए हमें 2 अदद, ये देखिए ये बेसन डालें इसमें, फिर आपने तकरीबन ये मैं आधा किलो बेसन के हिसाब से इसमें बना रही हूँ मसाला, अभी बेसन में और डालूंगी। ये मेथी डाल दी है मैंने, ये सूरख मिर्च डाली है, दर्पण मिर्च भी 1 चम्मच, दर्पण मिर्च है 1 चम्मच, सूरख मिर्च है। अगर चेक कर लें, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लें, अगर ज्यादा खाते हैं तो फिर थोड़ी सी तेज कर लेना। सब धनिया, ये सूखा धनिया पिसा हुआ, आपको अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, पहले पानी इसमें ऐड करने से पहले इसको मिक्स कर लें आप, इसके बाद आप पानी डालें इसके अंदर। आपने इसको इतना कर लेना नरम हो जाए, पतला नहीं करना बेसन को, क्योंकि हम जब इसमें प्याज आलू डालते हैं तो फिर उसके बाद उसी हिसाब से फिर इसके अंदर हम पानी और डालते हैं। ये मैंने बेसन और डाला इसके अंदर, अच्छी तरह आपने हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, प्याज डालें, प्याज को भी अच्छी तरह आपने इसके अंदर मिलाना है, मिक्स करना है। आलू है, ये मैं आपको कम पकौड़ों का सामान बता रही हूँ, तकरीबन 1 पाव के हिसाब से, 1 पाव बेसन हो तो इतनी चीजें इसके अंदर डलेंगी। कढ़ी हमारी पक रही है, थोड़ी सी
अभी देर है कड़ी पकने में, इतनी देर में हम पकौड़े बना लेते हैं। ये देखिए पकौड़े बन रहे हैं। आप चाहें तो तवे पे भी पकोड़े बना सकते हैं, चाहें तो फ्राई पैन में भी, जो भी आपके पास बर्तन हो आप उसी में पकोड़े बन सकते हैं, उसी में आप बना सकते हैं। देखिए हम ये कड़ी फ्राई, कड़ी को हम तड़का लगा रहे हैं। मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप, सफेद जीरा डाला 1 चम्मच, लाइट ब्राउन ये जीरा होगा तो उसके बाद ये जीरा ब्राउन हो रहा है। ये 4 से 5 अदद मैंने साबुत छोटी मिर्च डाली है, इसको बेर मिर्च भी कहते हैं। इसका पंगा तड़का लगाए बहुत जबरदस्त लगता है। ये देखिए मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। लगाने के बाद अब थोड़े से चमचे के साथ हिला लें। अब पकौड़े डाल रही हूँ इसके अंदर। कढ़ी हमारी बन गई है, देखिए हम इसके अंदर पकौड़े डाल रहे हैं। मेरे चैनल देखिए आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी चीज़ की आपने फरमाइश करनी हो ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है, शुक्रिया।